So what's up everybody, my name is Farhan and I'm from Dhubri Assam. Welcome to my YouTube channel. So मैं आया हूँ गौरीपुर के बिया भवन जो कि हमारे राजा के ज़माने में हुआ करता था. So अभी उसको explore करेंगे और आज मैं पहली बार कैमरा से शूट कर रहा हूँ. क्वालिटी कैसा आ रहा है प्लीज़ बताना. मेरे एक फ्रेंड का कैमरा है, मेरा नहीं है. सो अभी हम कुछ सिनेमेटिक शॉट दिखाएंगे आपको और देखिए और एंजॉय कीजिए. सो गाइस, पीछे जो आप भवन देख रहे हैं ये है हमारा गगोई भवन जो गौरीपुर के एक समय में राजा हुआ करता था. सो अभी हम आए हैं, मेरे फ्रेंड एक फ्रेंड को ड्रॉप करने के लिए गए हैं. सो वो आएंगे और यहाँ से निकल के और कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें आपको दिखाएंगे. सो देखते रहिए वीडियो को और कमेंट में प्लीज़ बताना क्वालिटी कैसा है और मैं कैमरा कुछ मतलब साउंड क्वालिटी सब कुछ कमेंट में बता देना. सो अभी मैं यहाँ से बाहर आया हूँ. प्लीज़ इग्नोर माय फेस, बहुत ही पसीना आ रहा है. सो अभी मैं जाऊँगा प्रमथेश बरुआ की जो घर थे वहाँ पे. सो वहाँ पे जाएंगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे. सो यहाँ पे अब मेरे पीछे जो गाड़ी देख रहे हैं ये शायद राजा के ज़माने का गाड़ी हुआ करता था. सो इसको थोड़ा सिनेमेटिक स्टाइल में दिखाते हैं. सो लेट्स 3, 2, 1. तो अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मैंने जो रिकॉर्ड किया वो रिकॉर्ड नहीं हुआ. ये मैम है. सो इनसे थोड़ी बातें करेंगे. मैंने जो रिकॉर्ड किया वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, मतलब दोबारा से बोलना पड़ेगा. सो देखते रहिए, मैम से बातें करेंगे और देखते. ये गौरीपुर राजबाड़ी है, राजबाड़ी मेन गौरीपुर राज एस्टेट का. तो ये जो है बनाया है राजा प्रभा चंद्र बरुआ, राजा प्रभा चंद्र बरुआ जिन्होंने ये गौरीपुर को भी एस्टेब्लिश किया था. तो ये इसका प्लानिंग, गौरीपुर का जो प्लानिंग है मोटा मोटी आपका कुचबिहार सिटी का और टाउन का जो प्लानिंग है उसी हिसाब से ये स्ट्रेट से रास्ता के साथ ये बनाया था. तो कहा जाता है ये जो है आर्किटेक्चर जो है ये चाइना का आर्किटेक्चर है. चाइना से भी लोग आया था, लाइक लेबर लोग आया था बनाने के लिए ये घर जो है. और कंप्लीट कॉन्क्रीट का घर है. तो ये मेन राजबाड़ी में जो है राज एस्टेट का फैमिली लोग रहता था उस टाइम. और गौरीपुर राज एस्टेट का तीन पार्ट में है. ये एक है मेन राजबाड़ी फैमिली को लोग रहने के लिए, एक है आपका माटिया बाग बोल के जो है वो गेस्ट हाउस जैसा है उस टाइम का राजबाड़ी का गेस्ट हाउस था. और एक है कचारी बाड़ी विच इज़ एक्चुअली वो ऑफिस है. तो उस टाइम में जमींदारी का ऑफिस. तो ये घर जो है करीब करीब 150 साल हो गया है, 150 साल का घर हो गया है एंड कम्प्लीट कॉन्क्रीट का घर है. आप देखिए तो अंदर का जो है कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है. और मैम से मिलके बहुत अच्छा लगा स्टोरी जान के यहाँ का. सो आप लोग भी गौरीपुर में रहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, मैम से बातें कर सकते हो. बहुत स्वीट मैम है, मुझे अच्छा लगा बातें करके. और थैंक यू मैम, थैंक यू, नाइस. चलो ऑल द बेस्ट. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. मैम ने बोला प्लीज़ कर देना. तो ठीक है, और आप आइए हिस्टोरिकल यहाँ का जो भी हिस्ट्री है देखिए. गौरीपुर में ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है, ये प्राउड हमें होता है कि यहाँ पे एक राजबाड़ी भी है. सो अभी हम यहाँ से जाएंगे और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे. तो मैम को अभी बाय बाय बोलते हैं. बाय बाय, बाय बाय, ऑल द बेस्ट. ओके, थैंक यू. सो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ एक चीज़ के लिए, क्योंकि साउंड क्वालिटी उतना प्रॉपर नहीं आ रहा होगा और ब्लर भी थोड़ा बहुत. सो अभी मैंने माइक नहीं लिया. सो माइक लेंगे उसके बाद साउंड क्वालिटी ठीक आएगा. अभी हम जा रहे हैं महामाया मंदिर, जो भी एक बहुत ही पुराना मंदिर है, राजा के ज़माने में हुआ करता था. तो अभी उसमें एंटर करेंगे. सो मिस द गेटवे. सो देखते रहिए, ब्लॉगिंग नहीं आता मुझे उतना. आप लोगों को अगर बोरिंग ब्लॉग अच्छा लगता है तो देखिए, वरना फिर भी देखिए. सॉरी. सो अभी हम एंटर किए. बहुत बढ़िया कैमरा. सो दिस इज द महामाया मंदिर. Thank you.
अभी मैं तो आप मेरे फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये है कुलदीप Hi. और ये है मिलादुल Hi. हमारे क्लास में एक साथ पढ़ता था और इसका घर यहीं पे है गौरीपुर। मेरा घर भी है पर मेरा थोड़ा अंदर है। सो, अभी ये वाला जो मंदिर है ये बंद है फिलहाल, वरना हम अंदर जाते। तो वीडियो को यही एंड करता है। अच्छा लगा तो आपको मालूम है। सो बाय।